तो गाइस आज की वीडियो को हमारा क्वेश्चन है, अगर ए बी एंड पी क्यू आर पैरेलल तो हमें फाइंड करना है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा हमें फाइंड करना होगा। तो अगर कॉस थीटा हम फाइंड करेंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे पी ओ क्यू को। तो पी ओ क्यू को हम कंसीडर करते हैं तो इसमें एंगल हमारा होगा थीटा, और फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा का, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा हो जाएगा हमारा बेस यानी कि जी, एंड हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा बी प्लस वाई। अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू देखेंगे तो ऑप्शन में कॉस थीटा की जी अपॉन में बी प्लस वाई कहीं भी दे रखा होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा दे रखा है सी अपॉन में बी, दूसरा है बी अपॉन सी, तो उसमें कहीं भी आपको जी नहीं दिखाई देगा। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, हमें क्या चाहिए, हमें जी को छोड़ के कुछ भी चल जाएगा जो ऑप्शन में आ जाए। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हम दूसरा वाला ट्रायंगल कंसीडर करने की कोशिश करें तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं अगर ये थीटा है तो अगर इसके हिसाब से अगर हम कॉस थीटा निकालें तो ये ट्रायंगल होगा हमारा, इसमें बेस क्या है, ये सी है। ठीक है, अगर ये सी है तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा, बी होगा, तो यानी कि कॉस थीटा एंगल का हमारा सी अपॉन में बी। ठीक है, तो सी अपॉन बी गाइस हमारा ऑप्शन, आपको ऑप्शंस में दिख जाएगा, ऑप्शंस में ऑप्शन बी हमारा इसमें ऑप्शन होगा और सी अपॉन में बी, तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो यानी कि हमें कॉस थीटा बड़े वाले ट्रायंगल से नहीं छोटे वाले ट्रायंगल से निकालना होगा, और छोटे वाले का ट्रायंगल का जो एंगल होगा हमारा इस थीटा के बराबर ही होगा, तो ये इस थीटा से हमारा कॉस थीटा एंगल जाएगा सी अपॉन बी। फाइन, सो दैट्स हाउ यू कैन आई हैव, तो जिस जो ये थीटा होता है जिस बेस पे होता है वो बेस हो जाएगा हमारा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा, इसके लिए ध्यान रखना क्योंकि एंगल इसके साथ बना रहा है, तो एंगल जिसके साथ बनाता है वो बेस होता है, तो ये बेस होगा, तो आपको कुछ इस तरीके से देखना होगा इसको। ठीक है, इस तरीके से देखना होगा, तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। फाइन, सो या आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।